क्या सोचा था और कहां पहुंच गई। आकाश ने तो मुझे वेटर ही बना दिया है, कब तक करती रहूंगी मैं ये। नंदिनी तुम रहने दो, हम कर लेंगे साहब। हाँ तुम छोड़ दो। ओके। खाने ही सर्व कर रही थी मैं। अरे प्लीज आप बैठिए, मैं बस यहाँ चेक करने आया था कि इंतजाम ठीक से हुआ कि नहीं हुआ। मैं बस यहाँ से जा रहा हूँ, आप प्लीज खाना खा लीजिए। जानवी आ जाओ इधर बैठो। जानवी चोट तो नहीं लगी? जानवी के चक्कर में पागल ही होता जा रहा है आकर्ष। भैया वो खबरदार, तो तुमने दोबारा ऐसी हरकत की तो मैं जानता हूँ इसके पीछे किसका मकसद है। अगर तुमने दोबारा जानवी को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आकाश क्या करो, छोड़ो इसे, पागल हो गए हो क्या तुम? अशा ने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया, इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट। मुझे तो चोट भी नहीं लगी, फिर आकर्ष इतना नाराज क्यों हुआ आशा पर? भाभी आशा अंदर आओ ना। भाभी आपके कपड़े ड्राई क्लीन होकर आ गए। थैंक यू, रख दो, बैठो ना। आशा आज जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। आकर्ष की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। नहीं भाभी ऐसा मत कहिए, कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ कि आकर्ष भैया किस मुश्किल घड़ी से गुजर रहे। मतलब छोटा मुंह और बड़ी बात, भले ही वो डायन के बेटे हैं लेकिन वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। आखिर वो आपके पति हैं, वो आपसे दूर बिल्कुल नहीं रह सकते। वो ये भी जानते हैं कि उनकी माँ और आप पक्के दुश्मन हैं और आप दोनों के बीच वो बट चुके हैं और उनके चेहरे पर उदासी दिखती है। भाभी मैं चलती हूँ। आशा रुको, आई एम रियली सॉरी, मैंने तुम पर कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर दिया, मुझे नहीं करना चाहिए था, आई एम रियली वेरी सॉरी। कोई बात नहीं भैया, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, आपकी तरफ से भाभी पहले ही माफी मांग चुकी है।